हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के बारे में, ठीक है, जिसको इंसार्ट बोलते हैं PMMC। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल किससे मिलकर बनता है। तो दो वर्ड से मिलकर बनता है, पहला परमानेंट मैग्नेट, दूसरा मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल मतलब क्या होता है कि कॉइल आएगा जिसको मूव करा सकते हैं हम लोग, ठीक है, और क्या होगा, और दूसरा होगा परमानेंट मैग्नेट। और इसमें एक परमानेंट मैग्नेट का हम लोग यूज करते हैं जो कि हॉट मटेरियल से मिलकर बनता है, ठीक है। चलिए अब इसका थ्योरी देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पॉइंट परमानेंट मैग्नेट के बारे में, इट इज मेड ऑफ हॉट मटेरियल। तो परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो हार्ड मटेरियल से बनता है, बना होता है। इज डैट मटेरियल्स विच हैव ए ब्रॉड हाइस्टेटिस लूप सो डैट दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो हार्ड मटेरियल से बनकर मिलकर बना होता है, ठीक है। हार्ड मटेरियल से मिलकर बना होने का मतलब है कि जिसका एक हाइस्टेटिस लूप आता है वो ब्रॉड आता है, चौड़ा आता है। तो हिस्टेटिस लूप कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे ऐसे जाता है इसका कुछ पॉइंट इससे, ठीक है। तो दो तरह से इसका हिस्टेटिस लूप बनता है, एक तो बहुत पतला बनता है, एक ब्रॉड बनता है, चौड़ा बनता है। तो जो हार्ड मटेरियल होते हैं, ठीक है, उसका जो हिस्टेटिस लूप होता है वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है तो इसका जो हिस्टेटिस लूप आएगा वो ब्रॉड आएगा, चौड़ा आएगा, जिसके कारण से इसमें जब डीमोनेटाइज होगा जी, ठीक है, तो भी इसमें कुछ ना कुछ इसमें चुंबकत्व का गुण रहेगा, मैग्नेट का गुण इसमें रह जाता है, पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका जो लूप होता है, स्ट्रेस लूप होता है, ब्रॉड होता है इसलिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, इन ऑर्डर डेट द वॉल्यूम ऑफ द परमानेंट मैग्नेट इज स्मॉल। तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है इसका जो वॉल्यूम होता है, जो इसका आयतन होता है वो कम होता है, ठीक है, आयतन इसका कम होता है। एंड द प्रोडक्ट बीटा इंटू एच मैक्सिमम ऑफ मटेरियल शुड बी हाई। बीटा इंटू हाई जो मैक्सिमम इसका वैल्यू होगा वो हाई होता है। तो यहाँ पे जो बीटा है या बी है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डेंसिटी, ठीक है, और जो बी जो एच है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू हाई होता है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट में। अब हम लोग देखने वाले हैं PMMC इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है। तो PMMC इंस्ट्रूमेंट इज ए मोस्ट एक्यूरेट टाइप ऑफ DC मेजरमेंट। तो PMMC जो होता है, परमानेंट मैग्नेट कॉइल जो होता है, इसके द्वारा हम लोग DC मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, DC को मेजर करते हैं, या तो DC करंट को या फिर DC वोल्टेज को। तो फॉर DC मेजरमेंट के लिए इसका यूज होता है PMMC इंस्ट्रूमेंट का। अगला पॉइंट, द PMMC कंसिस्ट बेसिकली ऑफ ए लाइट वेट कॉइल ऑफ कॉपर वायर सस्पेंडेड इन द फील्ड ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट। तो जो PMMC होता है उसमें तो एक परमानेंट मैग्नेट होगा और उसी में हम लोग एक कॉपर, जो कॉपर का एक कॉइल रहेगा, ठीक है, उसका वेट हल्का होता है, उसको हम लोग जो परमानेंट मैग्नेट है उसके फील्ड में हम लोग उसको रखेंगे, ठीक है। जो परमानेंट मैग्नेट है उसमें उसके फील्ड में हम लोग एक कॉइल है जो वहां पे रखते हैं। करंट इन द वायर कॉजेज कॉइल टू प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। और जिस कॉइल में हम लोग करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है, DC करंट उसमें जब फ्लो कराते हैं, जब उसमें हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी उसमें जनरेट होता है। हम लोग जानते हैं कि जो कॉइल है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब उसमें जनरेट होता है तो उसके बाद क्या होता है, इंटरेक्ट्स विद द फील्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक मैग्नेट रिजल्टिंग इन द पार्शियल रोटेशन ऑफ द कॉइल, ठीक है। जब उसमें हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं तो भी उसमें जो कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और जो परमानेंट मैग्नेट है उसमें तो पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेट है उस, तो दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है और जो परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और कॉइल जो होता है मूव करने लगता है। तो जो कॉइल मूव करेगा तो जो पॉइंटर होगा वो पॉइंटर उसी कॉइल पर सेट होता है, लगा होता है, जिसके कारण से जब हम लोग मूव कराते हैं कॉइल को,
ठीक है, जब क्वाइल मूव करता है तो पॉइंटर भी मूव करता है, वो भी एक कैलिब्रेटेड स्केल होता है उस पर मूव करने लगता है पॉइंटर भी। इस तरह से हम लोग डीसी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग इसका अगला पॉइंट देखते हैं, अभी और समझ में आ जाएगा आपको। ए पॉइंटर कनेक्टेड टू द क्वाइल, ठीक है, जो पॉइंटर है वो क्वाइल से कनेक्ट होता है, डिफ्लेक्ट्स ओवर ए कैलिब्रेटेड स्केल इंडिकेटिंग द लेवल ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर। तो जितना करंट वायर उस क्वाइल में फ्लो होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि पॉइंटर कनेक्ट है क्वाइल से, तो उतना क्वाइल मूव करेगा, उतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो उतना मूव करेगा क्वाइल, और जो क्वाइल मूव करेगा तो क्वाइल से कनेक्ट होता है पॉइंटर, तो उतना पॉइंटर भी मूव करेगा, और हम लोग मेजरमेंट कर पाएंगे कि कितना है। इसमें अगला पॉइंट है एसेंशियली लो लेवल डीसी एमिटर, जो पीएमएमसी होता है, जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल होता है, एक लो लेवल डीसी एमिटर की तरह वर्क करता है, ठीक है, लो लेवल डीसी एमिटर होता है। एंड यूजिंग पैरेलल रजिस्टर, एक पैरेलल रजिस्टर का हम लोग यूज करके, ठीक है, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं वाइड लेवल डीसी एमिटर की तरह, ठीक है, वाइड लेवल डीसी एमिटर की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं पैरेलल रजिस्टर का यूज करके। एंड यूजिंग सीरीज रजिस्टर, सीरीज रजिस्टर का यूज करके हम लोग डीसी वोल्ट मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, जो पीएमएमसी है उसमें हम लोग यूज करेंगे एक सीरीज रजिस्टर, सीरीज रजिस्टर का यूज करके हम लोग क्या होगा कि जो पीएमसी है, पीएमएमसी है, उसको डीसी वोल्ट मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले इसका सर्किट डायग्राम, इसका वर्किंग, इसी सर्किट डायग्राम से आपको समझ में आएगा इसका वर्किंग, बहुत ही ईजी होगा, जैसे थ्योरी में हमने पढ़ा है सेम टू सेम उसी में उसी तरह होगा इसका वर्किंग। पीएमसी कंस्ट्रक्शन सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं परमानेंट मैग्नेट है, इसका नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है, और यहाँ पे क्वाइल लगा हुआ है मूविंग क्वाइल, यहाँ पे इस मूविंग क्वाइल से कनेक्ट है क्या पॉइंटर, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंटर, ये आपका कैलिब्रेटेड स्केल है, इसी पे मूव करता है पॉइंटर, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं एक बैलेंसिंग वेट है, इस क्वाइल को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बैलेंसिंग वेट लगा हुआ नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दो मैग्नेट, जो परमानेंट मैग्नेट लेते हैं, इसके बीच में हम लोग क्वाइल को रखते हैं, ठीक है, इसके बीच में जब क्वाइल को रखेंगे और इसमें हम लोग करंट फ्लो कराते हैं क्वाइल में, तो क्या होगा, इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, जो परमानेंट मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो क्वाइल में हम लोग करंट फ्लो किए हैं उस क्वाइल का भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब एक दूसरे से इन दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है इंट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे से जुड़ेगा, तो उससे क्या होगा, जो क्वाइल लगा हुआ है वो मूव करने लगेगा, यहाँ पे मूविंग जो क्वाइल है वो मूव करने लगेगा, जो क्वाइल मूव करेगा तो यहाँ सीधे सीधे कनेक्ट है पॉइंटर, तो उसी तरह से पॉइंटर भी इस स्केल पर मूव करेगा, और जितना हम लोग करंट इसमें फ्लो कराएंगे क्वाइल में उतना ही पॉइंटर मूव करेगा। तो यहाँ पे स्केल लगा हुआ है, तो वहां से हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कितना करंट हम लोग फ्लो किए हैं इसमें। तो इस तरह से होता है पीएमएमसी का वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आता है एक टॉर्क इक्वेशन, तो टॉर्क इक्वेशन क्या आता है उसको हम लोग पहले समझते हैं, जो पीएमएमसी है उसमें आता है टॉर्क इक्वेशन, तो उसको हम लोग समझते हैं। टॉर्क इज फोर्स ऑन द ईच साइड ऑफ क्वाइल, जो क्वाइल है उसके प्रत्येक साइड पे एक फोर्स लगता है, तो कितना लगता है, एफ इक्वल टू एन बी आई एल साइन अल्फा, ठीक है, फोर्स का जो यूनिट होगा न्यूटन में होगा, तो इतना फोर्स लगता है जो क्वाइल है उसके जो प्रत्येक साइड है, ठीक है, उस पर। तो यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्वाइल, जो क्वाइल उस पर लपेटा गया है, जो कॉपर का वायर है उस पर जितना क्वाइल लपेटा गया है, ठीक है, उसका नंबर ऑफ टर्न है, कितना क्वाइल उस पर लपेटा गया है। और बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेवर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, बी क्या है, वो फ्लक्स डेंसिटी है। आई क्या है, जो क्वाइल उसमें कितना करंट फ्लो करा रहे हैं, जो करंट फ्लो हो रहा है इसको बोलते हैं आई। जो L है, L क्या है, विड ऑफ क्वाइल, क्वाइल का जो चौड़ाई है उसको बोलते हैं L। यहाँ पे अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर, कंडक्टर जो लगा हुआ है, जो कॉपर का कंडक्टर लगा हुआ है, कॉपर वायर लगा हुआ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल होता है अल्फा। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग
करंट को फ्लो कराते हैं तो अल्फा का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर सीधे इसमें लगता है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री यहाँ से, ठीक है, जो फोर्स लगता है परपेंडिकुलर लगता है ऐसे। तो इसका इन दोनों का जो एंगल हो जाएगा बीच का वो अल्फा होता है, अल्फा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री से होने से क्या होगा कि जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है वन होता है। तो इसका जो एक्चुअली जो टॉर्क इक्वेशन आता है वो आता है कितना, एफ इक्वल टू एन बी आई एल, ठीक है, इसका ये फार्मूला हो गया, इक्वेशन हो गया। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। अब हम लोग देखने वाले हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। पहला तो हो गया आपका टॉर्क इक्वेशन, दूसरा इसमें क्या हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और इसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क या कंट्रोलिंग टॉर्क होगा उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है। डिफ्लेक्टिंग मतलब क्या होता है, जो पॉइंटर है कितना मूव कर रहा है, कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके कारण से जो टॉर्क होता है इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क होगा उसको रिपीट होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, बल इंटू दूरी, ठीक है। तो फोर्स कितना है यहाँ पे हम लोग पीछे जब कैलकुलेट किए हैं, जो फोर्स एन बी आई एल है और डिस्टेंस कितना है डी है, ठीक है। तो टी डी इक्वल टू हो जाएगा एन बी आई एल इंटू डी। अब हम लोग देखते हैं कि जो एल और डी है, ठीक है, ये दोनों फार्मूला होता है एरिया का, तो ए इक्वल टू होता है एल इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए, एक क्या है एरिया है, कॉइल का एरिया है। तो आई डी इक्वल टू हो जाएगा आपका एन बी आई ए। यहां से हम लोग देखते हैं कि एक फार्मूला और आता है डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट का, जिसको बोलते हैं जी। तो डिस्प्लेसमेंट जो कांस्टेंट होता है जी इक्वल टू होता है एन बी ए, ठीक है, एन बी ए। तो यहां से हम लोग जी पुट करेंगे एन बी ए के स्थान पे। जी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। तो टी डी क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू आई के। ये हो गया मेन इक्वेशन आपका टॉर्क, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसका, टी डी इक्वल टू जी इंटू आई। अब हम लोग देखते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क या फिर कंट्रोलिंग टॉर्क भी बोलते हैं। तो इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, जो कॉयल है उसमें एक स्प्रिंग लगा होता है वहां पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग, उससे जो टॉर्क जनरेट होता है उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क या कंट्रोलिंग टॉर्क। टॉर्क जो कंट्रोल करने का काम करता है, जो पॉइंटर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे टीसी, जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे टीसी से। तो टीसी इक्वल टू हो जाएगा के इंटू क्यू एफ। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। जो कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है वो स्प्रिंग के कारण से लगता है, एक स्प्रिंग लगा होता है तो उसके कारण से लगता है, इसलिए इसको जो के कांस्टेंट है इसको बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। और जो क्यू एफ है वो डिफ्लेक्शन को प्रेजेंट करता है, कि जो पॉइंटर है कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है स्केल पर, ठीक है। तो टीसी इक्वल टू हो जाए के इंटू क्यू एफ। ये होता है रिस्टोरिंग टॉर्क का फार्मूला या फिर कंट्रोलिंग टॉर्क का फार्मूला। अब हम लोग देखते हैं कि जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो टी डी है और रिस्टोरिंग टॉर्क या कंट्रोलिंग टॉर्क टी सी है, ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो इसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। जो पी एम एम सी है, परमानेंट मैग्नेट कॉइल जो है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बैलेंस कंडीशन में होता है। कब, जब टी डी इक्वल टू हो जाता है टी सी, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है इक्वल टू हो जाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क के, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि टी डी इक्वल टू कितना है जी इंटू आई, वहां पे पुट कर दिए, और टी सी हमने पढ़ा है कि के इंटू क्यू क्यू एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आई का जो वैल्यू आएगा, आई इक्वल टू आएगा के इंटू क्यू एफ अपॉन, इधर आएगा तो अपॉन हो जाएगा जी हो जाएगा। तो आई का वैल्यू के इंटू क्यू एफ अपॉन जी आ गया। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि इसको मान लेते हैं कांस्टेंट है, इसको भी मान लेते हैं कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आई जो होगा प्रोपोर्शनल होगा क्यू एफ के। यहां से हम लोग सीधे सीधे देख सकते हैं कि जितना भी जो पॉइंटर है उसमें डिफ्लेक्शन होगा, क्यू मतलब डिफ्लेक्शन, जो पॉइंटर है उसमें जितना भी डिफ्लेक्शन होगा उस जो करंट है उसके कारण से होगा, जितना करंट उसमें फ्लो कराएंगे उसी हिसाब से उसका डिफ्लेक्शन होगा। तो करंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। इस इक्वेशन से आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो आई है वो प्रोपोर्शनल है क्यू एफ के, ठीक है। आई को जितना हम लोग इंक्रीज करेंगे, क्यू एफ जो क्यू एफ है जो डिफ्लेक्शन है उतना ही इंक्रीज होगा, जब करंट को कम करेंगे तो क्यू एफ भी कम होगा, उसका डिफ्लेक्शन भी कम होगा। तो इस तरह से हम लोग करंट को मेजर कर सकते हैं पी एम एम सी परमानेंट मैग्नेट कॉइल के थ्रू। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि परमानेंट मैग्नेट कॉइल होता क्या है, इसका वर्किंग क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है,
और इसमें जो तीनों टॉर्क लगते हैं, जो टॉर्क इक्वेशन होता है वो क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है क्या होता है, बैलेंस कंडीशन क्या होता है, इन सबको आपको, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो लेक्चर आगे भी आता रहेगा और हमारा कोशिश यही रहता है कि आपको अधिक से अधिक नॉलेज मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।